नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंह और धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरण उर्फ बल बोकारोगढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 6 देखे हैं, तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाग 7। ए बांदी के कि कोई तरह पर चाहे लोगे अरे बदमाश कहीं का एक हम नौ किला में कोई पैदा नहीं लिया कि रुदल को रास्ते भर में कोई राज बहाब या बुरखो यहाँ सिखाएगा ना मलिक कहियो या बाली कहियो बाली तू बोला है कि है बांदी तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ गया बदमाश कहीं कहीं सुन बात बोलता है कहियो नया वाली आ जावे के कारण का है बता जल्दी बता चलो तू साइड हटो हटो बांदी महाराज क्या बात है क्या सूचना लेकर के रंग महाराज कचहरी आई है आपको रंग महलों ने महारानी ने बुलाई है रंग महल हाँ महारानी जी याद किए हैं हाँ चंडाली ने कही कि ते बात तुम्हें तही को साथ बोलना चाहिए ए मालिक हम जाहियो वो ट्रेन आ गलो भों भों करते बदमाश कहीं का इराज कचहरी पर बांधी आई है जी बोल रही है कि महाराज ये आपको जो बड़ी भाभी हुए महारानी जी जो रंग महल में याद किए हैं हाँ ठीक है बहादुर तू कचहरी पर रहो मैं रंग महल चलता हूँ हम ही रहियो हाँ ठीक है जाओ तो जाओ कहता हूँ खुश रहे देवर जी भाभी अगर आपको आदेश हो तो मैं कुछ कह सुनाऊं देवर जी मेरा आदेश है कौन इसी बात कहना चाहती का सुनाई सुन लीजिए कहता कुशलता जी भाभी अपना रंग महलों के देवर जी आज कहना आई कुशलिया ले भाभी जी अपना रंग महलों के ये दीनवा के बेटा भाभी हमारा गई गई दीनवा दीनवा के देवर जी ये बताइए
सबसे पहले रंग महल का कुशल सुनाइए। मैं जरूर भी सुना सकती हूँ। पहले आप बताइए कि राज कचहरी का समाचार कैसा है? भाभी, राज बंगले का समाचार हमें बहुत अच्छा है। जब राज बंगले का समाचार ठीक है तो रंग महल के बहुत बेस्ट है देवर जी। अच्छा है ना? हाँ भाभी, ये बताइए कि रंग महल आपको क्या चीज का कमी हुआ? सुलह श्रृंगार से कमी हुआ कि कोई आपका श्रृंगार घट गया? हमें राज कचहरी तक भिजवाते हैं, क्या बात है? नहीं सोलो सिंगार नहीं, बस जो हमारी कमरी हुआ है। क्या चीज कमी हुआ है रंग महल में? मैं याद की हूँ देवर जी, ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं सुना रही हूँ। ठीक है, सुनाइए। लागल सब खापा देवर जी, आज राज महाप्या में दिल में शोक श्रद्धा है तो ललसा के नहीं पूरा कीजिएगा। क्या आपको दिल में ललसा लगा हुआ है? हाँ, सुन लीजिए। किया चुरा के ललसा जी भाभी, लग गई लो दी दवाने गई लो दिलवाने से कर के हलिया कह के दे दादी सुना से कर के हलिया कह के दे दादी बदला आज कौन चीज के ललसा Happy
देवर जी ये बताइए कि आपको दिल में क्या चीज का लालसा है, मैं भी सुनने के लिए चाहता हूँ। आज हमारे दिल ने कौन सी राज भव्य नहीं लालसा है कि हमारी बेटा इंद्र को हरिद्वार मेला जाकर गंगा स्नान करा देते, तुम्हारी बहुत खुशी की बात था देवर जी। भाभी जी, क्या हमारा बेटा इंद्र को दिल में लालसा लगा हुआ है कि जाकर के काशी में जाकर के स्नान करेगा? हाँ, हमारी शौक पूरा हो जाता, जाके बेटा इंद्र को स्नान करा दीजिए राज काशी में। हाँ नहीं भाभी जी, मैं राज काशी की इजाजत नहीं दूंगा। क्यों क्यों नहीं दूंगा, सुन लीजिए। आज बहुत भाभी अच्छा चल है राज काशी में, राज काशी में जो मेला लगा है, मैं भी सुना हूँ कि राज काशी में सावा महीना के मेला लग चुका है, बहुत भीड़ चल रहा है, इसलिए मैं राज काशी की इजाजत नहीं दूंगा। क्या नहीं आप आते महीना राज काशी के द्वार, आज बहुत अभिनवाद देवर जी। राज काशी को मैं इजाजत नहीं दूंगा। का नहीं बनाइएगा? नहीं नहीं बनाए तो सुनी एक नहीं सौखा बात बरजी पूरा कर राज पूरा
बताए कि भाभी का राजमहल में जब से मैंने आई हूँ एक बात भाभी का नहीं बात माने, मेरा बचन उठा के क्यों आप फेंक दिए देवर जी? भाभी आपको बचन उठा नहीं रहा हूँ, आप हमारे माता को समान हैं, हमें आप पुत्र समान मानते हैं, हमारे बात के भाभी आप नहीं समझी। मैं कहने के लिए क्या चाहता हूँ ये सुन लीजिए। दू गो भैया में जी भाभी हमारा दिए के बोला है, दूगो भलवा में जी देवर जी। इंदल जो है हमारा करेजा का टुकड़ा है, राजमहल बिना के भाभी श्रृंगार है, इसी बातों को लिए मैं इस बात को इनकार कर रहा हूँ। अगर दूसरा कोई बात है तो उदयचंद से कहिए, भाभी उदयचंद पूरा नहीं करेगा तब हम आप कह सकते हैं। मैंने जब से मैंने नई नगर से मैंने आई हूँ आप भाभी का बात नहीं मान रहे। सोनी सभी कोई गांव के बाहर में ये हरियर हरियर तोता ये पिंजरे ने पालते हैं, मैंने राज भाभिया मैंने आपका मैंने पाली हूँ देवर जी। सोनी भाभी करे
देवर जी, भाई मेरे राज महब्या में मैंने दूध मक्खन जितना आपका खिला दिया, मैंने क्रेजा के समान मार के खिला दिया, बाकी हमारी बचत उठा के फेंक दी, अब मैं नहीं मानूंगी। भाभी जी, आप जो बात सुन रखे हैं, बोल रहे हो, सही बात है। हमें किसी संसार से डर नहीं है, किसको से डर है, सुन लीजिए। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 7 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 8। देवर जी, भाई मेरे राज महब्या में मैंने दूध मक्खन जितना आपका खिला दिया, मैंने क्रेजा के समान मार के खिला दिया, बाकी हमारी बचत उठा के फेंक दी, अब मैं नहीं मानूंगी। भाभी जी, आप जो बात सुन रखे हैं, बोल रहे हो, सही बात है। हमें किसी संसार से डर नहीं है, किसको से डर है, सुन लीजिए। भाभी जी, हमें भैया प्राण बचने नहीं देंगे। क्या आपको भैया से डर है? हाँ, क्या डर है? हाँ, हमें सरदार जी से डर है। सोनी, राज महब्या के हम बहुत पढ़ाई सुने थे, आज बोलता मेरा बार हलम महब्या के राजे, आज बोलता बड़े आज सुनली
महाव्या मैंने नैनागढ़ में सुनी थी कि राय महाव्या ने एक पर एक वीर है, बाकी वीर नहीं। सोनी भाभी आप क्या बोल रहे हैं आप, हमें समझ में नहीं आ रहा। द्वार पाल, अरे भाभी जी को आज क्या हो गया है, क्या हो गया कि कुछ उल्टा पुल्टा आप बोल रहे हैं। चूड़िया पहन के देवर जी बैठरा जमो हवा में। अच्छा चूड़ी पहन के बैठू। हाँ बोल लीजिए। आज चूड़िया पहन के बैठा आज आकर मो हवा में। आई सुंदरी दुल्हनिया कहई बा, तन के साड़ी पहला राज महाप्या ने सुंदर दुल्हन कहबा। और सुनला साड़िया चूड़िया पहनू तो बड़ी बढ़िया तू लगू। अरे बदमाश कहीं का, अरे पागल, तुम्हें समझाना चाहिए, बोलना चाहिए कि महारानी ने ऐसी छोटी छोटी बात मत बोलिए। आग लगता है तो लोग पानी लेके दौड़ते हैं और तुम पेट्रोल लेके दौड़ते हो। बहुत समझ गया, चुप रहो, तो शांत रहो भाभी। अब सुन ला, सुनिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। सुन रे तन्ने ओला, आज से एक चूल्हा ना राज महाप्या, एक चूल्हा ना दूध चूल्हा जा रहा था। दूध चूल्हा हम इनके दने ना खाइबो, हम तोरे जोर के खाइबो। क्या कीजिएगा या राज महाप्या में आज से एक चूल्हा नहीं दूध चूल्हा जलेगा। सुन लीजिए तीन बात को बोले हैं, इधर आइए। पहला शब्द बोले हैं कि राज महाप्या के मैं बहुत बड़ाई सुनी थी कि एक से एक वीर उपस्था है। अरे राज महाप्या में युद्धांश रूप नहीं लेता तो नैनागढ़ में भाभी आपको मार रह जाती। अरे राम राम बोला, नैनागढ़ ने हमारा सिर के पगड़ी हमारा पर रख ले और राज महाप्या के तू सुना बहा। अरे आप बात बोलते हैं कि चूड़ी पहनिए और साड़ी पहन करके राज भाभिया बैठिए। सुन लीजिए, अरे जा जा करुआ पानी है मुंह में का, करुआ बात सहा ना जाए। करुआ पानी है मुंह में का, करुआ बात सहा ना जाए। खेत खेत दुश्मन को मारा, किसका साथ किसको ठिकाना। देवर जी आपका दुश्मनों से भाई है, हाथ का त्यागा दीजिए। मैंने बेटा के हरिद्वार जाकर मैंने अपने खुद पे स्नान करा सकती हूँ। चूड़ी पहन के बैठिए, तन के साड़ी पहन के बैठिए। सुनिए, अरे राम राम मौका मौका। इधर आइए, हमें किसी बात का गम नहीं है, आप हमारे माता समान हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी तो आप बोले हैं
कि राज महाबिया में एक चूल्हा नहीं दो चूल्हा जलेगा। अगर बेटा इंदल को काशी में नहीं स्नान करवाओगे तो कहा कीजिए बंटवारा करवा दीजिएगा। हाँ भार आज बट लूंगी आज से ना एक चूल्हा ना दो चूल्हा जरा तीन तरह तरह खिला वाली हो अब तेरा पाँच टाइम तुरा मिलते यार अब तेरा जो तीन टाइम खिला वाल खून अब तेरा मिलते तेरा दस टाइम तू अकेले है जबकि राज ये बंटवारा करवा देगी तो मैं राज को बंटवारा होने नहीं दूंगा। गरम गरम पुआ खा लू पुआ पागल कहीं का सुन लीजिए करा दे भैया सनाना भाभी तोरा बेटा इंदला के देवर जी काशी में स्नान करूं भाभी देवर जी चाहिए मैं आपसे वादा करता हूं कि बेटा इंदल को काशी में ले जाके अवश्य स्नान करा दूंगा। कराइएगा ना लेकिन बंटवारा नहीं होगा ना। नहीं होगा नहीं होगा। ये बताइए कि आप कहां जा रहे हैं भाभी। आपको बात को मैं मान करके कचहरी पर जा रहा हूं। क्या कचहरी पर? हाँ भैया जी के पास जा रहे। हाँ भैया जी के पास। और भैया जी आज बनारस से नहीं क्यों तो अगर भैया इनकार कर देंगे तो आपको साथ वचन दिया हूँ भाभी लौट करके रंग में नहीं होगा। आइएगा ना अवश्य होगा। ठीक है जाइए। काम कीजिए बेटा को राज महबिया में सजा दीजिए धूमधाम के साथ राज काशी में ले जाइए। ठीक है जाइए। भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। चुप रहो प्रणाम करता है। सरदार जी क्या भाई रिदल आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो सुन लीजिए। लाला सवा भैया जी हमर बेटा इंदला के आज लगे
सरदार जी क्या बेटा इंद्र को दिल में ललसा लग चुका है कि राज काशी में जाकर के स्नान करेगा, हमें इजाजत चाहिए। ओ क्या तेने यही सब बात राग महल से लाए हो? हाँ सरदार जी, खुशी खुशी इजाजत दे दीजिए, जाकर के बेटा इंद्र को स्नान करवा देता हूँ। सुन लो सरदार जी, तुम तो जानते हो कि राज महाबिया में दो गो भाई पर एक लाल है। सही बात है। आदि काशी मेला में कुछ बात विचार हो जाएगा तो हम बेटा कहाँ से लाएंगे? बोल लीजिए, बोल लीजिए। आहो दे बोले इजाजत हो रुदन तोड़ो काशी मेला के, आहो लौटिए के चला जा, सरदार जी ये सब जो तेने मैटर लाए हो उस मैटर से मैं निकाल रहा हूँ, ये सब कुछ होने वाला नहीं है, चले जाओ जाओ। आप बोल रहे हैं कि दो भाई में एक पुत्र है। हाँ, अगर बेटा को कुछ हो जाएगा तो बेटा हम कहाँ से लाएंगे, यही कहना है ना? अगर मेरे बेटा इंद्र को उस मेला में उस मेला रात काशी में कोई आंख तक दिखला देगा तो भैया जी उधर मेला में भगदड़ मचा देंगे। अरे एक बार तो हम बोल दिया, माथा को खराब नहीं करो, जाओ। इजाजत नहीं दीजिएगा? नहीं भैया, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, इजाजत दे दीजिए। अरे भाई तुम जिद वाला बात काहे रख रहे हो, हम कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तू कह रहा है कि दे दीजिए, जाओ। नहीं दीजिएगा, सुन लीजिए, आपको कहना है कि इजाजत नहीं देंगे और उदयचंद के मुख से निकल गया है कि इजाजत लेगा तो ले लेगा। जब एक बार बोल दिया कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे, तुम आपका बेटा के मालिक है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं आपको बेटा के मालिक नहीं है, मैं बात का मालिक हूँ। सुन लीजिए क्या बात है, सुन लीजिए। मौका बन के रहा भैया तुझे राज मोहबाने, आज मौका बन के रहा भैया जी तुझे राज मोहबाने, आज उदला नहीं मौका बन के रहा तो जीवना, उदल राज महाबिया में जिया है तो शेर बन के जिया है, शेर बन के जिएगा। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार, आप लोग देख रहे थे इंदल हरण उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 8 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 9। इजाजत नहीं दीजिएगा? नहीं भैया, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ,
इजाजत दे दीजिए। अरे भाई तुम जिद वाला बात काहे रख रहे हो, हम कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तू करा के दे दीजिए, जाओ। नहीं दीजिएगा, सुन लीजिए, आपको कहना है कि इजाजत नहीं देंगे, और उदय चंद के मुख से निकल गया है कि इजाजत लेगा तो ले लेगा। जब एक बार बोल दिया कि हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा। तुम आपके बेटा का मालिक है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं आपको बेटा के मालिक नहीं है, मैं बात का मालिक हूँ, सुन लीजिए क्या बात है, सुन लीजिए। मऊ का बन के रहा भैया तुझे राज मोहबाने, मौका बन के आप रहिए राज महबिया में, उदय चंद मौका बन के नहीं रहेगा। क्या तुम्हें कहना है कि इजाजत दे दीजिएगा तब मौका नहीं कहलाइएगा, यदि इजाजत नहीं दीजिएगा तब मौका कहलाइएगा। इतना ही नहीं भैया जी, अगर इजाजत नहीं दीजिएगा तो राज महबिया में एक चूल्हा जलता है ना, सांझ से भैया दो चूल्हा जलेगा। आओ सुन लीजिए, रजबा बंगला भैया राज मोहबे का मतलब है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेटा है आपको, हमारे भाभी सोना पत्नी है आपको, लेकिन 14 कुछ को जो राज है राज महबा द्वारपाल, 7 कोस राज हमारा भी हिस्सा है, आधे आधे बांट दीजिए। द्वारपाल ये तो बहुत जुलूम का बात है, अरे जानते हो भाई रुदल को कहना है
कि हमारे बेटा इंदल को दिल में शौक सरदार लग गया है कि चल के काशी मेला में मैं स्नान करूं। तो इस हाँ ये रंग महल में भाग चल गया था, अब इसको कौन चढ़ाया है पकाया है, हमें रानी कही है कि बेटा इंदल कहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब क्या कह रहा है कि भैया जी इजाजत हमको दीजिए, यादी इजाजत नहीं देते है। हेलो 14 कोस को राज है जो हमको आधा बांट दीजिए। बतलाओ कि अभी 14 कोस को राज में सारा राज हमारे अभी बेटा इंदर को होता है, वही बतावन होता है। आज जो बांट देते हैं तो आधा आधी हो जाएगा, फिर आधा से तू है जो समाप्त हो जाएगा। नहीं राज बांटना वो अच्छा नहीं है, चाह कि हमारा 14 कोस के राज होवे तो चुपचाप भेज दीजिए, इजाजत दे दू उनका जो आना उन्हें पगला हकीन जी जिससे हम चलो खून कर ही देते हूँ। तो पगला ना है हम बहुत उसे ज्यादा बोल रहा है। हाँ तू तो बोल रहा है ये हूँ। सुन लो रुदाल, क्या तुम हमसे इजाजत मांगते हो? नहीं हम राज बंटवारा चाहते हैं, हमें राज बांट दीजिए। आज बंटवारा करवा लेगा भैया जी, राज बंटवाएगा। हाँ जब तक तुम्हें शादी विवाह नहीं होगा तो राज नहीं बंटेगा भैया जी। सुनिए शादी विवाह उदयचर नहीं करेगा लेकिन राज बंटवारा करवा लेगा। बोलिए राज बांटना चाहते हैं तो अभी बांटिए। सुन लो सुन लो, क्या तेरा राज बताओगे? हाँ तेरा राज बताओगे? हाँ हाँ सुन लो। सुनाइए क्या सुनाते हैं? मैं काशी मेला की इजाजत देता हूँ लेकिन एक बात तेने ध्यान लगाकर बढ़िया से सुन लो। जरूर ले जा रहे हो लेकिन काशी मेला में मेरे बेटा को कुछ बाल बांका हो गया तो राज मुहब्बे में तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। अरे राज मुहब्बे में ए फांसिया दे दे बहुत सोना झूला, अरे पाते न परना मार हमारा बेटा इंदल को एक केस तक भी टूट जाएगा तो उदयचंद भाई
जिंदा से झूलने के लिए तैयार है। ठीक है जाओ ले जाओ जाओ। जा रहा हूँ, सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। जाओ ना। हाँ मुझे ही उनको जो रे कहा जाओगे। हाँ मुझे तेल देख ले, तेल मेलवा कैसा लगा ले जे। सब सागर मत इस बदमाश के कुल्ले के है, कुल्ले के सब के है, कुल्ले के है। तमानवा है कुल्ले के तो हम ही ना जाओ। ठीक है जाओ जाओ। अभी किसी मेरे बेटा इंटर का कुछ हो गया में हम आग लगा देंगे। लगवा दिया था हमारे बाप के जात। भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, आनंद रहो बेटा। इंदल चचा जी, तुम्हें दिल में शौक है कि चल करके राज काशी में स्नान करूं? हाँ चचा जी। भाभी सुन लीजिए, चेहरा सजा दाजी भाभी हमर बेटा इंदला के। अच्छा आज चेहरा सजा दाजी भाभी हमर बेटा इंदला के। आज चेहरा सदा दादू सही बात है। मैंने चेहरा मेरे सजाती हूँ और बेटा को हर द्वार मिला जाके स्नान कर दीजिए। ठीक है द्वारपाल इधर आओ। जी महाराज। बहादुर जी हमारे बेटा के कंधे पर उठाओ और उठा करके चलो आगे आगे बढ़ो। जय हाँ। कान्हा पर चढ़िया तभी बच्चा ना है रे बदमाश, ज्ञान है उसको। अच्छा तो चढ़ाइयो कान्हा पर। अरे अरे मुझे कहीं कहा, चलो उतरो उतरो पहले। अरे बदमाश कहीं कहा, अरे हमने बोला हूँ कि हमारे बेटा इंद्र को तेरे अपने कान्हा पर उठा। अपन कान्हा पर? हाँ आज तोरा के हमरा लगले कि तू कान्हा पर चढ़ो। बदमाश कहीं कहा। आवा जी आवा। चढ़ाना फोन के फोन ना वाको। चला बहादुर जी इस जगह से तो हम लोग राज काशी में जा रहा हूँ। भाभी जी इधर आइए, आप जाकर के रंग महल बैठ करके भगवान को भजन कीजिए।
मैं बेटा इंगल को काशी में जा रहा हूँ, स्नान करा करके हिल उठूंगा। आए मरकिनी तोरो कुछ मंगावे ला हवा, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारे देवर जी जरूर खरीद के ला सकती है ना। वही से पूछ लो बहादुर जी, जहाँ जहाँ यात्रा किया तो हम लोग दो भाई रहते हैं रुदल देवा। अच्छा एक काम करो बहादुर, लगता है कि हमारा भाई देवा ढेर दिन से कचहरी पर नजर नहीं आता है, ते चला जाओ राज बिहारिया और मेरे भाई देवा को बुला करके देखिया। जे हाँ बेटा भी उतर जा, उतर बेटा उतर। ए बदमाश प्यार से ना कह लीजिए, छोटा भाई जैसा ना कीजिए। बदमाश कहीं का, इसमें छोटा छोटा बात बोलते हो। अच्छा ना बोलो, जाओ खुश रहो बहादुर। ये बताओ जी कि कैसा कुशले राज महाभाग्य है और कैसा कुशले हमारे भैया सरदार जी के। सब बढ़िया आखुन सब है, तो राज प्यारी आने के वजह क्या है? बाजा यही आगो के हमने जोर लेवे कौसी मेला में आओ। क्या काशी मेला में क्या करने जा रहे हो रे? पाकिट उकिट मार ले के इरादा का है तुमको? तो पैसा कौड़ी ना है तो पाकिट वो मारो ना। चलो ना बोले ना खुद मालिक जी तोरा रुदल मालिक। क्या हमारे जोड़ी उदय छे बुला रहे हैं? काकू के जितना जल्दी ये बुला करके लेके आबो। ठीक है चलो चला। भाई उदय चल जोड़ी भाई देवा खुश रहो। राज प्यारिये से बुलाने का खास कारण यही है, हमारा बेटा इंदल को दिल में शौक है कि चचा जी चल करके राज काशी में स्नान करवा दीजिए। अच्छा ऐसा याली सोच इसे ही विचार है? हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? जब आप राजी है, पूरा राज महाभाग की राजी है, तो मेरा भी राजी है। ठीक है चलो भाई दीवान चल के स्नान करवा देता हूँ। ठीक है चलिए चलो। मेरी मकान राज उरियल में पड़ता है, मेरी मकान
मखान राजू रियल में है। माहिल मुझे नाम है, देश देश में जब तला मैंने झगड़ा नहीं लगाता हूं तो कभी मुझे दिल नहीं लगता है। मैं चला, मैं चला देखता हूं, एक बैठे बैठे विचार कर रहा हूं कि हर द्वार में एक भारी मेला लगा हुआ है। ओ हर द्वार में मैं चल का देख। नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारोगढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 9 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 10। घर मुझे अरूरियल में पड़ता है, माहिल है मेरा। मेरी मखान राजू रियल में है। माहिल मुझे नाम है, देश देश में जब तला मैंने झगड़ा नहीं लगाता हूं तो कभी मुझे दिल नहीं लगता है। मैं चला, मैं चला देखता हूं, एक बैठे बैठे विचार कर रहा हूं कि हर द्वार में एक भारी मेला लगा हुआ है। ओ हर द्वार में मैं चल का देखता हूं, कैसा कैसा जोधिया, कैसा कैसा वीर ये हर द्वार में आता है। मैं चलता हूं,
चलो चलो बहादुर। मामा जी क्या मामा जी को चरणों में सारा दंड पर खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो रुदल। मामा जी रुदल बहुत दिन पर भेंट मुलाकात हुआ है भागना। एक बात आपसे कहने के लिए चाहता हूँ। कौन ऐसी बात है? सुनाओ सुनाओ सुन लीजिए सुनाओ। मामा जी मैं आपको देख रहा हूँ कि जैसे जैसे आपको वृद्धा उम्र होता है औसा औसा ही शौकीन आपको बढ़ते जाता है। 5 साल पहले मामा जी आपको देखता था कि आप धोती पहन करके निकलते थे। सही बात सही बात। आप पैजामा पहन के निकलते हैं। सुन लीजिए सुन लीजिए सुनाओ सुनाओ। कहा कुशलिया जी मामा तू अपन राजे कहा कुशलिया मामा जी तू अपन राजूरिया लखे। अच्छा कैसन कुशलिया भैया भाई सिंह के हमार कैसन कुशलिया भैया भाई सिंह के हमार आज भेदवा बता दा। कहिए कुशल राजू रियल का दिल का मेट जाए अरमान। कैसा कुशल भैया भाई सुन का है? ये राजू रियल का कुशल बहुत ही अच्छा है। मेरा बेटा भाई सिंह का कुशल बहुत बेस्ट है बहुत अच्छा है। बाकी सुन लो भगना सुन लो। बोलिए बोलिए क्या कहने को चाहते हैं बोलिए ना। सुन लो कहदा कुशलिया रे भगना नागर मोहवा के भेदवा बता दे रे भगना कुंडली।
यहाँ के कुशल बहुत अच्छा है। ठीक है मामा जी, आप बोलते हैं तो हफने लगते हैं, कहा लगे बोलते हैं। संत रहे संत, द्वारपाल द्वारपाल, तुम इनको पहचानते हो? हम ना पहचान रही हो। अरे बदमाश कहीं का जी, अरे हमारे मामा जी हैं। मामू? हाँ हम कहियो देखा लिए। बदमाश कहीं का पूछना चाहिए ना। अरे राम सलाम किया है? सुनो बहादुर, बहुत बुजुर्ग आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी है, राम सलाम नहीं करेगा तो जरे समय शिकायत कर देंगे बदमाश। तलाज महाभिया की शिकायत होने देगा जी, तो प्रणाम करिए। अरे बदमाश रुदल, आधार के साथ जाके प्रणाम कर, क्या बात है मामा जी, क्या बात है? इधर आओ, इधर इधर। क्या बात है ये बताओ कि तुम लोग तीन जाना मुझे प्रणाम किया है और एक जाना कौन है? तो हमारे द्वारपाल है मामा जी। कैसा द्वारपाल रखा है कि अभी तला राम सलाम के मालूम नहीं जानता है। हमने क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था कि जरा से तुम शिकायत करवा दोगे राज महाबिया के? जाओ आदर की साजा के प्रणाम करो। कैसे करना है? पैर छू के प्रणाम करेगा तो प्रणाम नहीं लेंगे अंग में, सुनेंगे समझ गया? हाँ जाओ। अबे नयावा यही लगे रुसल हलो जी, प्रणाम लगी रुसल हलो। राज महाबिया में कब से रहता है? अबे नयावा राज महाबिया में कब से रहता है? हमें हाँ दशहरा से। तो राम सलाम के भी हाल नहीं जानता है? हम चिन्हियो तो ना राम सलाम करियो, हम तोरा कहियो देखा लिया जी। सही बात, सही बात, तुम नहीं देखा, नहीं देखा है। हम कह जाने के लिए कि तोरा से कौन रिश्ता, उनका से कौन रिश्ता है जी, आप तोरा चिन्ह पर्ची हो गए। अरे रुदल के मामा जी हैं, मामा जी, मामा जी तो आप ना जान लीजिए। आओ अब 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 बदमाश कहीं का पागल कहीं का। मामा जी, मामा जी क्या हुआ, मामा जी क्या हुआ? हम बात ऐसे गिर गया। मार दिया, मार दिया ये द्वारपाल रखा है, मार दिया। अरे मामा जी शांत, अरे बदमाश, अरे पागल मुहा पर रखा था सो हूं कर बदमाश है, पागल कहीं का। का बात हुआ? मार दिया, मार दिया। अरे गले में गले मिलने लगा, ये का किया है कि मुझके पटक करके चढ़ गया। अरे बदमाश, अरे पागल, ये मामा जी को क्या समझ गया है पागल कहीं का? मामा जी कैसे गिर गए? देखो बोटाम वाले पैजामा पहन रखे, बैगो एगो खुला हाली में घुस गई ओकरे में, देखो फट गई आखरी पैजामा। मामा जी भगना, हमने पहले बोला हूँ ना कि आपको जैसा जैसा उम्र बीतता है ऐसा ही आपको शौकीन बढ़ा जाता है। हमारे द्वारपाल बोल रहे हैं कि महाराज क्या कहूँ, जैसे ही महाराज से गले में गले मिलने लगे तो हमारा जो योग औंठा था उनको पैजामा में फंस गया, इसी कारण हम गिर गए हैं। ठीक ठीक, अच्छा ठीक है द्वारपाल, मुझे गलती नहीं है, तुम्हारा गलती नहीं है, मेरे गलती है। मैं पिटवा देला ना? नहीं है, मेरे गलती है। भागना रुदल। मामा जी ये बताइए कि आप कहाँ के जाती कर दिए हैं? हाँ यात्रा में काशी मेला के जा रहा हूँ। राज काशी में जा रहे हैं? हाँ। हम लोग भी मामा जी बेटा इंदल को लेकर के राधा काशी में जा रहा हूँ। तुम लोग काशी में जा रहा है? हाँ हाँ। बहुत शुभ यात्रा से मिल गया भाई देवर, अब हम लोग तीन चार आदमी से पांच आदमी हो गए। हाँ चलिए मामा जी बेटा इंदल को स्नान कराने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा बात है? हाँ मैं भी साथ चलूंगा। चलिए चलिए चला जाए, चलो बेटा इंदल चलो। Thank you.
बाल देखो बहादुर, राज कंस यही है जो भीड़ देख रहा है। बहादुर मेला हाँ, राज कंस में मेला लगा हुआ है। अच्छा देखो बहादुर, तब वही तब वह चारों पट्टी नजर आ रहा है, देख रहा है ना? देख रहा है, सगरो जुजली बत्ती बर रहे है। क्या बोलता है ये, क्या बोलता है? कौची बर रहे है। बहादुर जी, समय हम लोग के पास नहीं है, समझ गया? समय का तो अभाव है। एक काम करो बहादुर, जितना ही जल्द एक तंबू गाड़ो, तंबू गाड़ करके और तुम लोग तंबू में बैठो। बहादुर पहले हमारा 5 रुपया था, काहे की दे रे? जाए ब्लेड लावे। ब्लेड लाके का करेगा? पॉकेट मार भी आओ। बदमाश कहेगा, यही सब के बात करने के लिए आया है बदमाश कहेगा? पैसा ना है ता। अरे तुमको हमको से बोलना ना चाहिए मूर्ख कहीं का? हम सोचा ली के तोर से कौची मांग भी हमें तेरी है, ढेर मना मार ले। तू कैसा द्वार पाल रखा है? नहीं नहीं मामा जी, ये बताओ यहाँ आया है पुण्य कमाने के लिए कि पाप कमाएगा? मामा श्री इसके पास कहना सत बात है कि हमारे पास एक एक भी पैसा नहीं है, तो इसे मांगना चाहिए हम लोग से? अरे हमने के मौलिक जी से मांगे में लॉज लगा है, तेरे से बढ़िया में इधर जुगाड़ कर ले ही। सुनो बहुत मार मारेंगे, ज्यादा बोलेगा? सुनो मूर्ख कहीं का, मैं राजपीरी से निकला हूँ ना रे। हट हट बदमाश कहीं का, मामा जी इधर आइए, तुमको पैसा दे देंगे। हाँ दे देंगे। ओ भाई देवा, भाई देचन, जब राज काशी में आया हूँ तो नित दिन राज काशी में नहीं आया करूँगा। सही बात, मैं सोचा हूँ कि बेटा इधर कुछ है हाथों में चिन्हासी दिवा देता तो बहुत सुंदर की बात होता। मैं जाता हूँ मेला में, देखता हूँ अगर कोई गोदना गोदने वाली होगी तो उससे बुला करके मैं बेटा इंद्र को गोदना गोदवा देता हूँ। भाई देचन, इस जगह पहले तंबू गड़बाओ और गड़बा कर बेटा इंदल और इन्हें मामा जी सारा यहाँ पे रह जाएंगे, हम दोनों खोज के जरूर लाएंगे। बहादुर हमने आदेश किया हूँ ना कि तंबू गाड़ो, तंबू गाड़ दिया, चलो गाड़ो। आए दरबानी, तंबू गड़ा गया? अच्छा ठीक है भाई, भाई देचन जो बातों को कहता हूँ ध्यान लगा के सुनो, तुम लोग तंबू में बैठ जाओ बहादुर। अच्छा शाम हो चुका है, जैसे ही 4 बजेगा भोर का समय, उसी समय में बेटा इंद्र को स्नान करवाऊंगा। हाँ हाँ भाई देचन, तब तक तुम लोग तंबू में बैठो, मैं मेला में जाकर के खोजता हूँ। ठीक है जाओ। ठीक है बहादुर, सभी मिलकर के बहादुर जाग करके रहना है, काहे कि इंद्र जो है भी बोध है, उसका ज्ञान नहीं है। अच्छा क्या तुम लोग बहादुर है, ड्यूटी अच्छे ढंग से करना है। ठीक है सब शुद्ध हूँ, तुम तो हम जाग ले रहा हो के। मामा जी इस बातों पर ध्यान दीजिएगा मामा जी। ठीक है जाओ। ठीक है भाई देवा, मैंने जाता हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ मैं, ध्यान। चलिए मामा श्री तंबू में चलिए, चलो चलो बेटा यार
छूट गला बाजी घर में छोटका चिनाउटिया ले लिया बड़ का छूट गला घर ला पकड़ा बेटा एक बात बोले हमको वृद्धा का शरीर है आते आते हमको गोड़ हाथ पिरा रहा है थोड़ा सा मैंने आराम करता हूँ हाँ तू पढ़ा ना गोड़ हाथ चौंप दे थक गया था तू बैठला ही पढ़ रहा वो तो बैठले रहा हम जो गोड़ हाथ चौंप दे हेलो 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 ना देते रहा कि राज काशी में मैंने ना तो कर लिए थे कि मैंने लगा है सुता सुता राम से मैं राज हरिनंदन जी का पुत्री आलू खाई वो आलू नमस्ते फरमान मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई तो आप लोगों ने अभी तक भाग 10 देखे हैं तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाग 11 बहादुर हमारे मामा जी सो गए थोड़ा देर मैं भी आराम कर लेता हूँ तुम जाकर बैठ के देखना इसको हाँ तुम्हें जगना है देखना है अभी नदान है इसे न समझ किधर चला जाएगा कोई पता नहीं ठीक है ठीक है बाद महाराज हरनाना सिंह का बलक मुखारे का पुत्री प्रेमा कुमारी बोल रही हूँ इस समय सुन रही हूँ कि राज काशी में मेला लगा है इसलिए उस मेला को दर्शन करने के लिए मैं भी चलती हूँ
अरे काशी में लबा केतना बा तू, अरे काशी में लबा केतना बा तू हाय। मैं सुनी हूँ किस समय मेला लगा है राज काशी में, ऐसा की हम भी सुननी तो चले के चाहिए चला ऐसा की मेला घूम वहाँ एक से एक सुंदर लड़का पहुँचल हुई है ऐसा की चलो ठीक बात चले के चाहिए। आज हमारे चाचा जी हमारे गुदना गुदवाने के लिए गुदनैतिन को खोजने के लिए गए हैं, जब ही तक लौट कर वापस नहीं आए हैं। न जाने हमारे साथ में चचा हमारे डेवा जी थे और हमारे दादा माहिल जी और द्वारपाल संघ में वो सभी लोग सो गए हैं। अब मैं चलूं और चलकर मेला में देखता हूं हमारे चचा जी क्या कर रहे हैं। जो
चलो और चलो तरीका नहीं है आपको दिखाई नहीं है क्या हमें हाँ आपको चलने का ढंग नहीं है ये बतलाइए कि मैं कोई भी लड़की मर्द में देख रहा था नहीं अच्छा आप खुद टक रहे हैं ओ तो ठीक है यदि हमसे गलत हो गया है तो गलत को मैं माफ मांगता हूँ सॉरी क्या ओम सॉरी आई ओम सॉरी आई ओम ठीक है ये भी गलत हो गया लेकिन मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ क्या हमसे सुनिए क्या हमसे कहने के लिए चाहती हो हाँ सुनाओ में घरबा है राजा आज का दुआरबा क्या आज का हमारा दुआरबा दोस्त मात्र दोस्ती हे बबुआ का हमारा हलई हे बबुआ तो हरो आज हालत बता दा क्या किला में घर पड़ता है क्या आपका नाम है जो सच सच बताइए क्या हमारी हमारी मकान जाने के लिए चाहती हो हाँ सुन लो आ
नानी जी सुनाला कहलिया जी हमा क्या मतलब है जननी आरे मोर घर यही द्वार से। अच्छा दोस्त बात करो दोस्त आप पते नहीं बताइएगा नहीं नहीं नहीं। अरे भाई मैं ये चाहता हूँ हमारी माता पिता से क्या मतलब है, मेरे घर से क्या तुम्हें मतलब है? सुनिए जी तो रोजी माँ
बतलाओ क्या बोल रही हो? आपका जो सूरत है हमारे दिल में छप गया। नहीं नहीं, अभी अभी देने क्या तो बोल रही थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ? मैं तो एक बार पहली बार बता दिया कि मेरे घर द्वार से क्या तुम्हें मतलब है, मेरा नाम से क्या मतलब है। लेकिन आपका चेहरा देख के हमको दिल में बस गया। मैं आपसे प्रेम प्यार करने लगी हूँ। क्या प्रेम प्यार को बात बोलती हो? हाँ, मैं आपसे प्यार करते राजा जी। आपका दिल मेरे करेजा में छप गया। अरे भाई, जोर से तो बात करो। मैं नहीं करता, मन करता सबके बात करो। सुनो सुनो, तेने हमारे मकान पूछ रहा था ना, पूछ रही थी ना, तेने हमारे मकान पूछ रही थी ना। कुछ दे, कुछ दे। मेरा मकान राज मोहब्बा में पड़ता है। अच्छा, राज मोहब्बा। आपका नाम क्या है? मेरा दादाजी को नाम स्वर्ग दक्षराज कहते हैं, पिताजी को नाम अलो सरदार, चाचा जी को नाम लोग उदयचंद कहते हैं, हमें नाम लोग इंदल पुकार करते हैं। लेकिन तुम्हारा कहाँ मकान है? क्या बात है? अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो गई हो? तपासी गयो रति लवा देख ले का सूरत देखकर मेरे दिल में बस गया है। सुनो, आप हमसे प्रेम प्यार कीजिएगा कि नहीं? तेरे प्रेम प्यार को बात बोलती हो? हाँ। सुनो, मैं सुनाता हूँ।
नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे इंदल हरन उर्फ बल बोकारो गढ़ की लड़ाई। तो आप लोगों ने अभी तक भाग 11 देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग 12। नमस्ते। आपका दिल देख के, आपका सूरत देख कर मेरे दिल में बस गया है। सुनो, आप हमसे प्रेम प्यार कीजिएगा कि नहीं? तेरे प्रेम प्यार को बात बोलती हो? हाँ। सुनो, मैं सुनाता हूँ। जाननी की सुना ला कहलिया जी हमार, आज बाल अपन उमरिया जननी। बोलना 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 आज रहेला मेलवा में। अच्छा, आज बाल पर आई उमरिया जननी, रहेला जी मेलवा में। तुम दोनों को साथ में मैं प्रेम प्यार करने वाला हूँ। ऐ जननी सुन लो, एक जगह पर ये भी मास्टर साहब है ना, जो कटा हुआ रहता है ना, उसमें नीमक छींटते हैं। तुमको पता है रे, नीमक किस पर छिया जाता है? किस पर छिया जाता है? एक तो जान रहे हैं कि आग लगल है और उसको मैं आग लगा रहे आए। अच्छा
बना हे करबना हे करबना प्रेम आज तक लाइसन हम कबूर राजा न देखनी ए, सु, क्या तू अंगहल है? ठीक है सुजा। अरु मर्द बड़े मर्द आ तू मौगा बड़ा मौगा तेने मौगा को बात कर दियो हाँ। की बड़ा चोलिया में
तुम लोग स्त्री में बहुत कलंक हो। चटनी के स्वाद ले ले बाड़ी। अरे भाई सुनो, मैं तुम लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मिले खट दिल बेकरार कै हो प्यार में लो बाप जी। मैं तो एक बार कह दिया हूँ कि हमें छोट बन उम्र है, ये सब करने का भी उम्र नहीं हुआ है। पर तोर जो होठ है लाल लाल वो देख के मान ले। अरे तुम तो खराब कर दिया। चलो चलो बोलो आय जाननी सुनाला दिलबा के हमर बात आज के तनौ पैया करबा आजिया मेलवा में आज के तनौ पैया जननी करबा जी मेलवा में आज करब न पर मामा जननी कंठवा में तोहार भाई। मेरे द्वारपाल को सोने दो, जो बात करना है जो हमसे करो। अरे बदमाश रे, अरे
यार से काम ही यार फुलटे तो हमरा गाइड कर दे भाई बर्दाश्त करना तो धंगा देता हूं आचो भीम जो उगे उगे अरे हमर बुढ़वा अरे हमर बुढ़वा उठतो जो मार तू तीन चोट सुनो हाँ मैं तो कह दिया हूँ कि तेरे लाख से भी लिख कर दोगी तो मैं दोनों लोग के सामने प्रेम प्यार करने वाला नहीं हूँ नहीं हो नहीं सुनिए क्या सुनाते हो क्या जे तू हरे ला बढ़ई लीना अरे हमको लिख हे सुरमा कपाली भला जो बना मारी प्रेम प्यार करब की ना नहीं नहीं करब नहीं एक महीना ऐसा निश्चित ये बहना लगा था कि सीधा अंगुल से घी ना निकली कुछ कार्य के पार सुनो सुनो यही से ना कह लिया कि मास्टर 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 साहब कतल में नमक छिट रहा थी कि अरे तोरे नम हमको तोरे नम अब ले डबा से करे नामे जब से तू नाम बताइला क्या मुआ के रहे वाले वानी जब से हम ब्लेड से काट के अपना करीजा पर अपना नाम लिख गए केका तुहार हमर हां जान पहचान बनल मेहमान अरे कि तोरे नाम लिखा लिए उठा तके आ ब्लेड मा से काल जवाने कि हमारो के ले ले चला राजा महाविया राज महाविया क्या राज महाविया हाँ और तुम लोग के काहे कभी नहीं तो तोर दत्ता ने कि हमारे के ले ले चल राज महाविया अरे बंद करके बोला जवानी
प्रेम प्यार करवा की नहीं। तुम लोग से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमें छोड़ दो। अगे बहना सीधा उंगली से घी ना निकले लगा था कि तेरा से निकाले परी। इनका पर जादू मार, आ जादू मार के इनका मनुष्य अत्वता बना के अपना राज में लेके चले जाए। चलो तेरे जादू मार निकली का दियो। अरे हाँ, अरे तुम नहीं जानते हो मेरी माँ क्या है जो क्या है रे। ए दुनिया में पाला डीपा जादू सब जानता है, लेकिन मेरी माता सोना को पास एक माय बारे जाने को चीज है। चिनार ने चाहे हाकल डांस चीज